नहीं मिल पा रही नागरिकता, गुलाम हैदर कर रहे हैं अड़चन पैदा, देखें वीडियो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर करेंगी सीमा सचिन मीणा। खतरे में नहीं डालेगा और मैं नहीं चाहती कि मुझे अभी घूमा फिर मैं नहीं, मैं घर में बहुत खुश हूँ, मैं सारी जिंदगी सचिन के साथ घर में गुजार लूंगी, बट मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। इस समय इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से आपका जीवन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, इंस्टाग्राम तो बस ऐसे ही, हम इंस्टाग्राम में नहीं है, इंस्टाग्राम कुछ नहीं, यूट्यूब हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, इससे हमारी सैलरी भी आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है। लगभग कितनी कमाई होती है आपको? अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। अक्सर देखा जाता है कि इंस्टाग्राम पर लोग आपको गलत गलत कमेंट करना करते हैं, इस उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग पाकिस्तान से ही हैं, पाकिस्तान के लोग ही मेरे पर गलत कमेंट करते हैं, तो उनको यही कहूंगी एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलें, जिसका कोई भी नहीं हो, जिसका कोई सहारा नहीं हो, जिनका बाप मर चुका हो, गांव उन्हें निकाल चुके हो, ये कोई फिल्मी कहानी हकीकत है, एक बार वहां जाके चीजें देख लो कि अगर मेरा इतना भी झूठ है तो मैं गलत हूँ। इसका कोई भी नहीं होता तो उसने अगर अपनी जिंदगी कोई कदम उठाया तो इसमें गलती क्या है? उनको, मुझे लगता है कि उनको तकलीफ इस यहाँ आने से नहीं, तकलीफ भारत से और हिंदू धर्म से है। 2023 खत्म होने को है, 2024 की शुरुआत होगी, तो आप इस नए साल में क्या कुछ नया करने वाली हैं? मैं सब कुछ मेरे लिए नया ही होगा और मैं बहुत खुशी से बिताऊंगी, भगवान से प्रार्थना की हमारा 2024 अच्छे से गुजरे और हमारी जो एनिवर्सरी वो भी आएगी 13 मार्च को, कि हमारे 13 मार्च को ही हमारी शादी हुई थी बीच सचिन की नेपाल में। तो किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी शादी? बहुत सुंदर से करूंगी, तब तो नहीं धूमधाम से नहीं कर पाए थे, बट बहुत धूमधाम से करेंगे। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है और मैं चाहूंगी कि कभी ना कभी मैं भी देखूं। गुलाम हैदर की तरफ से जो ये अड़चने पैदा की जा रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बेबुनियाद है, फालतू में वो ऐसे बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो बकवास करते रहते हैं वो फोन पे इधर उधर वीडियोस पे, तो ये बिल्कुल गलत है, उनके कहने से सब सिस्टम नहीं चलेगा, भारत का भी कानून है, भारत की भी चीजें हैं। सचिन और बच्चों के रिश्ते के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत खुश हैं बच्चे, मेरी दोनों छोटी बेटियां तो सचिन के बगैर एक पल नहीं रहती, सचिन बाहर जाए तो रोते रहते हैं, जब तक सचिन लौट के नहीं आता तब तक रोती हैं कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, अगर कहोगे मम्मी अच्छी है तो पापा कहेंगे पापा अच्छे मम्मी गंदी है, इतने तक उनसे प्यार करते हैं सचिन। अगर मैं बच्चों को भूलूं, वैसे डांट भी दूं ना सचिन मेरे से लड़ पड़ते कि बच्चों को मत डांटो। सचिन के घर वालों से क्या कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है और कितना प्यार मिल रहा है? प्यार भरपूर मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है बाबा से, पापा से, मम्मी से, और सब कुछ साड़ी पहनने से लेकर हर चीज मम्मी सिखाती हैं, पूजा करना, अब तो भोग भी मैं लगाती हूँ, कान्हा जी को भोग लगाना हो, ये सारी चीजें, कान्हा जी को रात को सुलाना हो या उनको नहलाना हो, अब ये सारी चीजें मम्मी मुझे सिखा रही है और मैं करती भी हूँ, दिया जलाना हो जैसे शनिवार को हम गेट पे दिया जलाते हैं, ये सारी चीजें मम्मी मुझे आस्ते आस्ते सिखा रही है, कुछ चीजें मुझे शुरू में समझ नहीं आ रही थी, अब वो आने लगी है। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहने के लिए जुड़े रहो SNI News साथ।